हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा हेयर केयर रूटीन। दोस्तों, जिस तरह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हो जाते हैं, ऐसे में हमें हमारे बालों की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में आपके साथ बिल्कुल सिंपल सा हेयर केयर रूटीन फॉलो करूंगी। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में हमें करनी होगी हेयर ऑयलिंग। हेयर ऑयलिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ खुद का बनाया हुआ DIY हेयर ऑयल। वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ऑयलिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम ऑयलिंग नहीं करते हैं तो हमारे बाल बहुत ज्यादा ड्राई डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है। तो आप हफ्ते में 2 बार जरूर हेयर ऑयलिंग किया करें। अब जी सेकेंड स्टेप है हमारा मास्क। मास्क बनाने के लिए हमारा फर्स्ट इंग्रेडिएंट है बनाना। तो हमें यहाँ पे पका हुआ बनाना चाहिए होगा। बनाना को 1 से 2 दिनों तक फ्रिज में रख देंगे तो अच्छी तरह से पक जाता है। आप 2 बनाना से ज्यादा भी ले सकते हो, कम भी ले सकते हो, अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग। इसके बाद मिक्सी ग्राइंडर में डाल के अच्छे से बनाना को ग्राइंड कर लूंगी। बाद में स्ट्रेनर की मदद से स्ट्रेन कर लूंगी। स्ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्ट्रेन नहीं करोगे तो आपको क्रीमी कंसिस्टेंसी वाला मास्क नहीं मिल पाएगा। तो अच्छी तरह से स्ट्रेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि इसमें जो भी पार्टिकल्स थोड़े बहुत रह गए हैं वो भी निकल जाएं। बाद में जब हम हेयर वॉश करें तो हमारे बालों में चिपके ना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दूंगी। उसके बाद जी हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट होगा एग। दोस्तों, एग में प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मैं यहाँ पे 1 एग का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप 2 का भी कर सकते हो। अगर आपको एग की स्मेल पसंद नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर सकते हो। दोस्तों, मिल्क ऐड करने से क्या होगा, इसमें जो स्मेल है वो नहीं आएगी। अच्छी तरह से दोनों चीजों को मिक्स कर देंगे और मिक्स करने के बाद मैं इसको अप्लाई करूंगी। लेकिन मैंने अपने बालों को वॉश नहीं किया है, ऑयलिंग करने के बाद डायरेक्ट मैं इसको अपने बालों में अप्लाई कर लूंगी। बालों की रूट से लेके टिप तक अच्छी तरह से हमें थोड़े थोड़े बालों का सेक्शन लेके अच्छे से इस मास्क को अप्लाई कर लेना है। 1 से 1.5 घंटे तक मैं इस मास्क को अपने बालों में रखूंगी। उसके बाद वॉश कर लूंगी, शैम्पू करूंगी, कंडीशनर करूंगी और जब बाल मेरे ड्राई हो जाएंगे उसके बाद सीरम अप्लाई कर लूंगी। इस हेयर केयर रूटीन को हमें हफ्ते में 2 बार फॉलो करना है। सिर्फ हफ्ते में 2 बार फॉलो करने के बाद भी आप देखोगे आपके बाल बहुत ज्यादा सिल्की शाइनी हो जाएंगे और डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी।